नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में देश भर के होम्योपैथिक के डॉक्टर एकत्र। मौका था रीवा के किरण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित वर्कशॉप का, सेमिनार। इस दौरान अवार्ड समारोह भी आयोजित किया गया। हमारी टीम ने जिम्मेदारों से बात देखी। हमारी रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होम्योपैथिक का एक बड़ा शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर देश भर के 21 राज्यों के तमाम डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने रीवा की जनता को देखा, उनके परीक्षण किए, उनको उचित दवाइयां दी। अपने आप में इस तरीके का शिविर रीवा शहर में आयोजित होना एक काफ़ी बड़ी बात। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान होम्योपैथी ने करके दिखा दिया कि हमारी दवाई कोरोना पर पूरी तरीके से कारगर सिद्ध होगी। ये कुछ कहना था यहाँ के जो भी डॉक्टर थे, जो भी जिम्मेदार थे। हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, आज के आधुनिक युग में होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें किसी भी दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हम पूरी तरीके से मरीजों को ठीक कर देते हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, धैर्य की जरूरत है। जिस तरीके से रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में डॉक्टरों का मेला लगा, ठीक उसी तरीके से रीवा शहर के लोग भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को डॉक्टरों से बताया, डॉक्टरों ने उनको उचित इलाज उपलब्ध कराया। यही नहीं, यहां पर उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। आज यहाँ पर लगभग पूरे देश के होम्योपैथी के बड़े डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, मैं एक बार इस हॉल का आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर तमाम डॉक्टर मौजूद है, पेशेंट भी मौजूद है, बस यहाँ पर लोगों का परीक्षण का काम चल रहा है। जिस तरीके से होम्योपैथिक आज की तारीख कोरोना वायरस संक्रमण के बाद इसका काफी महत्व बढ़ गया है, आज बात इसको लेकर होगी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, फिर बताइए। मैं डॉक्टर आयशा अली, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश होम्योपैथिक काउंसिल से भोपाल से आई हूँ, और आज ये डायमंड जो अवार्ड दे रहे हैं 2023, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देश के 21 राज्यों से डॉक्टर्स आए हैं होम्योपैथिक, और इसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी मैन्युफैक्चर जो मेडिसिन बनाते हैं, जैसे वाणी जी और सिंह साहब और हमारे संप्रदाय, ये सब पूना से बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं, बनारस से आए हैं, मध्य छत्तीसगढ़ से आए हैं, काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं और बिहार पटना से आए हैं। तो इन सब का आज ये सभी यहाँ के जितने मरीज हैं उनको ये चेकअप करेंगे। और सबसे बड़ी मैम, आप हमारे प्रदेश से हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं, आपने पूरे रीवा शहर में इतने डॉक्टरों को इकट्ठा किया, उसके लिए तो पहले आपका शुक्रिया। उसके पर अब आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश किस तरीके से होम्योपैथी को बढ़ावा दे रहा। मध्य प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट में होम्योपैथिक, अभी जैसे कोरोना हुआ था तो कोरोना में हमारा पूरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे, सभी डॉक्टरों ने, इवन पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने होम्योपैथिक जो मेडिसिन दी है लोगों को, उस लोगों में मतलब 5% भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि आराम नहीं मिला। कोरोना वायरस संक्रमण काल में, मैं अभी आपसे बात और करूंगा, कोरोना वायरस संक्रमण काल में हमने करके दिखा दिया है, कहने की बात नहीं है। डॉक्टर आयोजक है, आपसे सबसे बाद में बात। ये बताइए, अपना परिचय दीजिए और रीवा में कैसा लग रहा, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है। आई एम ग्लैड टू बी हेयर एंड इट इज माई प्रिविलेज टू बी हेयर। आई एम फ्रॉम कलकत्ता, एस एन बोनिक, डायरेक्टर ऑफ हेनीमैन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। होम्योपैथी दवा मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ मैं, लेकिन इधर क्लस्टर्स ऑफ डॉक्टर्स, वेरी एजुकेटेड डॉक्टर्स, आई एम प्राउड टू बी हेयर इन दिस। किस तरीके की दवाइयां बनाते हैं और आपकी दवाइयों का किस तरीके से होम्योपैथी, जैसे होम्योपैथी की तो आप बनाते हैं, कौन सी दवाई आपकी ऐसी है जिसका सबसे बेहतर रिजल्ट होता है? बेहतर रिजल्ट इन द करेंट स्टेज यू कैन से द फॉर कोरोना रेमेडीज वी प्रिपेयर द मेडिसिन एंड this is the fortunately all the homeopathy doctors all over India, I think they were in the front line when you know the
patients are not getting that proper treatment from even hospital, because at that time only the homeopathic doctors. And remedy, what we prepare, we should say it is appreciable. This homeopathy doctors, they are in the front line and they have done a tremendous. रीवा शहर में तमाम लोग मौजूद हैं, जैसा भी मैम कह रही थी, 21 राज्यों के यहां पर डॉक्टर मौजूद हैं, लगातार यहां के लोगों का परीक्षण चल रहा है। अपने बारे में बताइए, फिर रीवा के शिविर के बारे में बताइए। मैं पंकज शर्मा, उप सचिव हूँ आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन। किरण सेवा ट्रस्ट द्वारा जो एक व्यंगम आयोजन किया गया है, इसमें ना केवल पूरे देश के होम्योपैथी डॉक्टर्स को इकट्ठा किया गया, बल्कि इसके माध्यम से इनके ज्ञान का, इनके कौशल का लाभ मरीजों को कैसे मिले, इसका प्रयास किया है। इसके लिए निसंदेह ये सब पूरे आयोजक बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके का यहाँ माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल देखिए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये डॉक्टर परिचय नहीं दिया आपने। डॉक्टर ज्योति शर्मा, होम्योपैथी एमडी फ्रॉम इंदौर एमपी, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। मैं वहां से आई हूँ और मेरी बच्ची 12th में, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मिश्रा परिवार का प्रेम है जो मुझे यहाँ खींच लाया। यहाँ पे मिश्रा ने बहुत इंसिस्ट किया, मैडम प्लीज आइए, मैं बिजी शेड्यूल से भी आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि होम्योपैथी पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। अभी जो कोविड के बाद लेटेस्ट सर्वे हुआ, उसमें जनरल हुआ है प्रकाशित कि लगभग 70% लोग वर्ल्ड वाइड जो है उन्होंने होम्योपैथी पे ट्रस्ट किया और होम्योपैथी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की ओर जा रही है, अग्रसर हो रही है प्रायर टू द एलोपैथी। मैं चाहता हूँ साइड इफेक्ट्स फ्री होम्योपैथी दुनिया जहां में फैले और छोटी सी दुनिया जहां में फैले। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा कि मैंने पढ़ा था, लेकिन मैम ने, आप लोगों ने पुष्टि कर दी। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद निश्चित रूप से होम्योपैथी ने अपना काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, उसके रिजल्ट भी है, बोलने की जरूरत नहीं है। भविष्य में किस तरीके से मध्य प्रदेश होम्योपैथी को और आगे बढ़ाएगा? भविष्य में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि जब भी आयुष डिपार्टमेंट का जब भी प्रोग्राम होता है उसमें सबसे प्रायोरिटी वो होम्योपैथी को देते हैं और वो बोलते हैं कि होम्योपैथिक से अच्छी पैथी नहीं है। इसी तरीके शिवराज सिंह साहब जो हमारे सीएम साहब हैं, वो भी आयुष डिपार्टमेंट को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसके रिजल्ट मिल रहे हैं और रिजल्ट इतने ज्यादा हैं कि जैसे अभी मैडम ने कहा कि 75%, मैं तो कह रही हूँ 95% लोगों को आराम मिला है। मेरे पेशेंट दिल्ली में भी रहे जिन्होंने कोरोना की मेडिसिन ली है मेरे से टेलीफोन पे, वो भी बिल्कुल अच्छे रहे। और जिन्होंने जो एलोपैथिक की मेडिसिन, आई एम सॉरी टू से कि उन्होंने लिए, उनको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं और वो ज्यादा उनको होम्योपैथी ने अपना बेहतर काम किया था। 95% के आसपास हमने रिजल्ट दिया। जिस तरीके से होम्योपैथी लगातार बेहतर काम कर रही है, भविष्य में क्या, किस तरीके की और कुछ योजना? नेचुरली देखिए, पूरे विश्व में जितना होम्योपैथी का प्रचार प्रसार है, आज उसकी पैथी के जो प्रैक्टिशनर है 70% से ज्यादा इंडिया में है और हमारे मध्य प्रदेश में 27,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, जिसमें से करीब 20,000 से ज्यादा तो जो एक्टिवली होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो दिनों दिन अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अपना पैथी पे विश्वास कर रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है, 27,000 डॉक्टर होम्योपैथी के मध्य प्रदेश में है। आप दो जिम्मेदार लोगों का कहना था, आप आयोजक हैं, आपने आज पूरे प्रदेश को रीवा में इकट्ठा कर दिया, देश को होम्योपैथी के क्षेत्र में, किस तरीके से आपने ये सब किया? सर, सबसे पहले मैं माननीय चिकित्सकों का, जो दूर दराज से हमारे एक बुलावे पे यहाँ पे आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। साथ में मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो आज इस शिविर में, इस बृहद शिविर में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। शिविर हमारे प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन एक निवेदन के बाद आज डॉक्टर जयेश नटवरलाल पटेल गुजरात से, डीपी सिंह गाजीपुर से, ओपी गुप्ता सर लखनऊ से, मतलब काफी बड़े बड़े शहरों से जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है वहाँ पे, वो आज हमारे बीच है। ये रीवा के लिए एक सौभाग्य की बात है, मैं भी अपने चैनल की तरफ से सफेद शेरों की धरती में तमाम डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने छोटे से शहर में अपना यहाँ पर आने का तय किया और एक बेहतर यहाँ के लोगों को
होम्योपैथी का ट्रीटमेंट से परिचय कराया। साथ ही अभी एक सत्र और बाकी है, उस सत्र में यहाँ जितने भी डॉक्टर आए हैं उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी। किरण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस शिविर को अब आपको लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहली टेबल पर मैम आपका नाम? डॉक्टर रूपा तिवारी। डॉक्टर रूपा तिवारी रीवा से हैं। इसके बाद मैम नाम बताएंगे अपना? डॉक्टर रेणुका फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से हैं आप? सर नाम प्लीज। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता फ्रॉम बेगूसराय बिहार। बिहार से। जैसा कि अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सब जरा परिचय दे दीजिए अपना। जी मैं गुजरात से सूरत सिटी और वहां से अभय जी ने बुलाया हम आ गए। गुजरात से आप आए हैं? कपड़े के बारे में बड़ा मशहूर है, डायमंड भी। डायमंड के बारे में, डायमंड की तो बात ही अलग है, डायमंड हमारे यहाँ भी होता है डॉक्टर। ये बताइए रीवा में कैसा लग रहा? रीवा में ये पहली बार मैं आया और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ही मैं रह जाऊँ बस। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम आपको बता दें ये सफेद शेरों की धरती भी कहलाती, आपको शेर भी दिखाएंगे। मैम बताइए अपना परिचय दीजिए। सर हमें डॉक्टर सीतना रोचानी और मैं हूँ बड़ौदा गुजरात से और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। आप दोनों लोग रीवा रह जाइए बेहतर होगा निश्चित रूप से। गुजरात के बहुत सारे लोग आए। डॉक्टर परिचय दे दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर मनीष पांडे है, गोरखपुर से आया है। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष, मैं वेरावल सोमनाथ गुजरात से आया। पूरी टीम यहाँ पर गुजरात की दिख रही है और आप लोग साथ बीच में यूपी वाले, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको भी अपन मान लेते हैं। लेकिन काफी बड़ी बात है जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए। रीवा में किस तरीके का माहौल है, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा माहौल है और पेशेंट आ रहे हैं और उनको देखना मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? हम भोपाल से आए हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, मैंने MD किया होम्योपैथी में और मैं भोपाल होम्योपैथी कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ। और भोपाल होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल है। ये बताइए कि रीवा में किस तरीके से लग रहा, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। रीवा में, रीवा के जब मैं प्रिंसिपल था तो रीवा के कम से कम उसमें 50 बच्चों में 25 बच्चे रीवा के ही थे। ये हमारे शहर के लिए काफी बड़ी बात है, 25 बच्चे रीवा के थे। बच्चा थोड़ा सा परिचय। मैं डॉक्टर PK मुखर्जी, वाराणसी में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक। वो तो लगी रहा कि वरिष्ठ है आप। रीवा में जब आप आए हैं यहाँ पर जी, किस तरीके के मरीज आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है रीवा के बारे में बताइए कुछ। देखिए रीवा में सच पूछिए तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, यहाँ के पानी में बॉक्साइट और सिलिकेट बहुत ज्यादा है तो यहाँ अधिकतर आप कब्जियत के पेशेंट पाएंगे और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपने बॉक्साइट का नाम लिया तो चूना पत्थर के लिए यहाँ कैल्शियम भी बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता दूं। एल्बुमिन, हाँ। तो अब इस तरीके से क्या ये माना जाए कि आपके आने के बाद हमारे यहाँ पेशेंट कुछ कमेंगे? हाँ जरूर, मैं एक डॉक्टर प्रयास करता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं चाहूंगा कि ये जो बॉक्साइट का असर जो है होम्योपैथी में एक एलुमिना दवा है उसको अगर रेगुलर आप कोई कब्जियत वाला पेशेंट इस्तेमाल करता है या कभी कभी गले में कोई चीज उतरता नहीं वैसे पेशेंट के लिए एक अति उत्तम दवा है। जो भी इस समय देख रहे हो उनके लिए डॉक्टर साहब की सलाह है, उसको ये जरूर दिमाग में रखें। बच्चा थोड़ा तो नहीं, बच्चा दीजिए। मैं डॉक्टर अजय कुमार रजक मैहर से। आप? डॉक्टर आकाश पांडे मैहर से। मैहर से, चलिए आप तो अपने ही पास के, आपसे बाद में बात होगी। जी डॉक्टर साहब आपसे बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात तो पहले पूरी करिए। रीवा की टीम को, अभय जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आप लोगों को बधाई देता हूँ क्योंकि आप लोगों के बगैर कोई भी कार्य पूरे मध्य प्रदेश नहीं। हम लोग को आज बधाई नहीं, आज बधाई का दिन आपका है, आप हमारे यहाँ आए, ये हमारे लिए, अभय जी के लिए, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सर ने जो बताया कि रूमेटिक आर्थराइटिस मस्कुलर पेन वाले पेशेंट आपके यहाँ ज्यादा है, डिबिलिटी कमजोरी वाले भी ज्यादा और GIT टैक्स मतलब गैस और पेट की प्रॉब्लम वाले हैं और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब बढ़िया दवाइयां इन लोग दे रहे हैं, इन दवाइयों से करीब करीब सभी को अच्छा आराम मिलेगा। निश्चित रूप से सभी को आराम हो जाएगा, कुछ लोगों से और भी कंप्लीट ही कर दूं। परिचय दे दीजिए जरा। डॉक्टर आर्यन नाम जो
रिटायर्ड होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर रीवा। डॉक्टर मनोत्रा गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथी। डॉक्टर मेरा परिचय दे दीजिए। हाँ, डॉक्टर विकास सोनी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, दुर्ग भिलाई से। बाकी अपना तो मैं आयुष्मान भारत में वैसे 11 ईयर से काम कर रहा हूँ। काफी लंबे समय से होम्योपैथिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बताइए अपने बारे में। डॉक्टर चक्रपाणि मिश्रा, मैं सूरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, पूरा देश आज यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जरा परिचय दे दीजिए बड़ा। सर, मेरा नाम डॉक्टर कमल मालिकपुरी है। सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ रायपुर की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सावर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ सीनियर और जूनियर डॉक्टरों का एक शानदार मिक्सअप यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है। रीवा की धरती में जिस तरीके से आप पेशेंट लगातार देख रहे हैं, पहले तो अपना परिचय फिर रीवा के बारे में। डॉक्टर अखिलेश कुमार, सिंगरौली, सिंगरौली मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है रीवा में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा किया गया है, पहली बार एक बड़ा काम हुआ है, बताइए जी। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार शर्मा, बेगूसराय बिहार से आया हूँ। बिहार से। मैं डॉक्टर वसीम काजी, सागर एमपी से। सागर। मैं डॉक्टर बी एम प्रसाद, पटना। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरा प्रदेश लगभग देश एकत्र है। अपना परिचय दीजिए जरा। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष। रीवा की धरती में जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर अभय ने एक तरीके से पूरा देश ही एकत्र कर दिया, किस तरीके से इन्होंने ये कारनामा किया, इनके कारनामे के बारे में कुछ बताइए। मैं कितना धन्यवाद हूँ, मेरा तो इनसे लंदन में दोस्ती हुई, लेकिन इन्होंने आज पूरे इंडिया को यहाँ पर इकट्ठा करके हम सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम होम्योपैथी के बारे में मिल के जुड़ के एक नया प्लेटफॉर्म बनाए और अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा आह्लादित हो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर अभय ने एक ऐसा कारनामा किया जाए रीवा की धरती पर जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम अब यहाँ से आपसे इजाजत लेंगे, इसके बाद जो भी आगे के कार्यक्रम होंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी, वो अभी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।